फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जो कि है ममाअर्थ का। और इस प्रोडक्ट के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। और ये प्रोडक्ट है मेरे पास और टी ट्री हेयर मास्क का ममाअर्थ का। और इस प्रोडक्ट ममाअर्थ का और भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जैसे कि हेयर केयर प्रोडक्ट है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, और इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं और इनमें आपको कोई भी केमिकल नहीं मिलेगा इनके प्रोडक्ट में। और ये पैराबेन फ्री होता है। तो इस प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें है लेमन एंड आर्गन ऑयल, टी ट्री हेयर ऑयल और टी ट्री है और आर्गन ऑयल है। तो ये आपकी हेयर के हेल्थ को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। और इसमें लेमन ऑयल भी है, तो ये आपके डैंड्रफ और इच स्कैल्प को क्योर करने में काफ़ी हेल्प करता है। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये है 599 का, बट इस पर डिस्काउंट ऑफर चलते रहते हैं, तो ये आपको 450 या फिर 500 तक में अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है। और ये आपको अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, नायका पे और भी हर जगह अवेलेबल है। एंड ये है ममाअर्थ टी ट्री हेयर मास्क विथ टी ट्री आर्गन ऑयल एंड लेमन ऑयल और फॉर डैंड्रफ एंड इची स्कैल्प। और इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये इस टाइप की पैकेजिंग है। और इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें है कोकोनट ऑयल, लेमन एसेंशियल ऑयल, टी ट्री एसेंशियल ऑयल, रोज़बेरी ऑयल और इस तरह के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट है इसमें। और ये क्लेम करता है कि रिड्यूस डैंड्रफ एंड कंट्रोल ऑयल, रिड्यूस इचिंग एंड मॉइस्चराइजर स्कैल्प सुटेबल फॉर कलर्ड एंड ट्रीटेड हेयर। यानी कि आप इसे कलर्ड हेयर में भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपके हेयर ट्रीटेड है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। और ये मैन एंड वुमेन दोनों के लिए है, तो दोनों ही इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड ये तो हो गई इसके क्लेम एंड पैकेजिंग की बात। तो आप देख लेते हैं कि अंदर से ये कैसा है। एंड रियल पैकेजिंग इसकी इस टाइप से है, वाइट कलर का टब है और इसमें 200 ml प्रोडक्ट है, जो कि इस रेंज में सही है, ममाअर्थ का प्रोडक्ट है ये। और इस पर वही सारी चीज़ें मेंशन है जो कि इस पे है। और ये काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है इसकी। और प्रोडक्ट कैसा दिखता है वो भी देख लेते हैं। तो ये इस टाइप से है, तो मैं इसे खोल के दिखाती हूँ। वाइट कलर का प्रोडक्ट है इसमें। और ये इची स्कैल्प और डैंड्रफ के लिए काफ़ी अच्छा है, बट आपको ये यूज़ करने से पहले, आप अगर कोई भी हेयर रेमेडी यूज़ कर रहे हो तो आपको उसे स्टॉप करना पड़ेगा और देन इसको यूज़ कर सकते हो आप, क्योंकि ये हेयर मास्क है। तो हेयर मास्क वीकली यूज़ करते हैं तो आप उस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसे क्लीन हेयर में ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसे यूज़ करने के लिए हेयर को पहले ही आप गीला कर ले, वेट कर ले तो ज़्यादा बेटर है, तो लगाने में हेयर मास्क इजी रहेगा। तो इसके खुशबू की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी है। और इसके खुशबू से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें बहुत सारे एसेंशियल ऑयल वगैरह मिक्स है। तो अब मैं इसे आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। और इसे हल्का गीले बालों में अप्लाई करना है, तो मैंने अपने हेयर को हल्का गीला कर लिया है। ये हल्का गीला कर लिया है और अब मैं इसे आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ।
इसे स्कैल्प पे भी अच्छे से अप्लाई करना है। और ये प्रोडक्ट की बात करें तो ये ज़्यादा लिक्विडी नहीं है, ताकि ये बह जाए उस टाइप का नहीं है। सही है ये। हमें इसे अच्छे से अप्लाई करना है। तो मैंने अपने हेयर में इसे अप्लाई कर लिया है स्कैल्प पे। और अगर आपकी हेयर लेंथ शॉर्ट है तो आप इसे काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हो, लाइक 3 4 बार 5 बार यूज़ कर सकते हो, इतना प्रोडक्ट है इसमें। और मेरी हेयर लेंथ थोड़ी सी लॉन्ग है। और हेयर मास्क अप्लाई करने के बाद आपको हल्का सा इसे मसाज करना होगा, ताकि ये अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए, अच्छे से लग जाए। फिंगर टिप की हेल्प से आपको मसाज करना है थोड़ा सा। तो मैंने ये हेयर मसाज भी कर लिया है। और हेयर मसाज करने के बाद, हेयर मास्क अप्लाई करने के बाद, आपको उस टाइप के कॉम से कॉम कर लेना है, ताकि ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए पूरे हेयर में, पूरे स्कैल्प में। तो अब मिलते हैं, इसे आधे घंटे या 1 घंटे भी रख सकते हैं। कुछ करके बताने वाली हूँ मैं आपको कि किस टाइप का रिजल्ट मिलता है मुझे। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मैंने हेयर वॉश कर लिया है और नॉर या शैम्पू यूज़ नहीं किया है, प्लेन वाटर से ही हेयर वॉश किया है। आपको हेयर मास्क यूज़ करने के बाद कोई भी कंडीशनर या शैम्पू यूज़ नहीं करना है, सिर्फ प्लेन वाटर से ही हेयर वॉश करना है। और अगर जिनकी ऑयली स्किन है तो बिल्कुल भी ये हेयर मास्क यूज़ करने के बाद, हेयर वॉश करने के बाद बिल्कुल भी ऑयली स्किन नहीं लगने वाली है, बिल्कुल ही अच्छा लगेगा। और इसकी खुशबू भी अच्छी लग रही है, अच्छी खुशबू आ रही है। तो अगर आप सर्च कर रहे हैं या फिर आप ऐसा कुछ हेयर मास्क ढूंढ रहे हैं इचे स्कैल्प डैंड्रफ वगैरह के लिए, तो आप ये ममाअर्थ का ये हेयर मास्क यूज़ कर सकते हैं। और मैं पूरा पूरा तो नहीं कहूँगी कि ये पूरा ही डैंड्रफ क्लियर कर देगा या डैंड्रफ पूरा ही हटा देगा, क्योंकि आपको इसे 2 3 बार यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके असर दिखेगा आपको, और धीरे धीरे वर्क करता है। तो आपको इसे रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ज़रा सा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये ममाअर्थ का हेयर मास्क प्रोडक्ट कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।